हेलो एवरीवन, आप सभी का पहाड़ी लाइफ स्टोरी में हार्दिक स्वागत है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश है। मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे शहर रोहड़ू और डिस्ट्रिक्ट शिमला का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने जो जीवन के, जो हम सभी के गुरु है, यूट्यूब वाले बाबा जी, तो उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि उनको देख के मेरे जीवन पे कितना असर हुआ है। तो जो मेरा यह चैनल है, ये 2018 का बना हुआ है। उस टाइम मैंने भी शौक शौक से ही यूट्यूब पे चैनल बना दिया था। तो उस टाइम मैंने यूट्यूब पे कोई भी काम नहीं किया। फिर 2023 आया और 2023 से मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे ही यूट्यूब वाले बाबा जी की वीडियो देखी, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और वो हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेट करते हैं। मैं आप जो भी नए ब्लॉग यूट्यूब की दुनिया में या पहली बार आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो बाबा जी की वीडियो देखे, उनसे पहले उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखें, तभी अपना चैनल बनाएं। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरी ब्लॉग का चैनल है, और मैं अपने जो भी डेली काम काज रहते हैं उसके बारे में ही वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को कम आएगी क्योंकि मैं विदाउट माइक ब्लॉग का बना रहा हूँ। तो आज मैं आया था जंगल। आजकल पहाड़ों में एक सब्जी उगती है जिसके हम मॉरल मशरूम या पहाड़ी गुच्छी कहते हैं, उसको ढूंढने आया था। तो साथ में ही मैं एक छोटे से बाबा जी के लिए थैंक्स वीडियो बना रहा हूँ कि अगर शायद वो ना होते या उनकी वीडियो, तो आज शायद हम उनके बारे में आप लोगों को नहीं बता पाते। क्योंकि मैं बाबा जी की सारी वीडियो देखता हूँ और उनसे सीखता हूँ, और हमें बाबा जी का मानना है, वीडियो वायरल होने के लिए आपको सबसे पहले तो मेहनत करनी पड़ती है। कि तो मेहनत के साथ साथ हमें अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। हम जो चीज़ कर रहे हैं उसे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाहिए, और साथ में दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अच्छे काम करो, अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। शायद फ्रेंड्स, मैं कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसे आप नज़रअंदाज करें, क्योंकि मैं अभी न्यू न्यू ब्लॉगर हूँ और मुझे पता नहीं है कि किस तरह से ब्लॉग शूट करते हैं। अभी जो भी मैं काम करता हूँ, मैं उसी के बारे में हल्का फुल्का सा बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सबसे पहले तो मेरा ब्लॉग देखें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ही मुझे एक मौका दें, ताकि मैं आपके लिए और नए नए ब्लॉग बनाता रहूं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब वाले बाबा जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरह से मोटिवेट किया है।